हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंस्ट्रक्शन न्यूज हेडलाइंस पार्ट 4। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड की हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आपको न्यूज हेडलाइंस के नाम से मिल जाएंगी ये सारी वीडियोस, तो उनको जरूर देखें, काफी इन्फॉर्मेटिव है। और बात करते हैं अगर आज की वीडियो के बारे में, तो सेम पहले की तरह हम कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई न्यूज लेके आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक जरूर करें। सो मूविंग टुवर्ड्स द न्यूज, सो पहली जो न्यूज है वो है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय एंड ऑफ 2021। हाँ जी, तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो कि 2021 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या में श्री राम टेम्पल भी बन रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट, एंड दे वांट कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो। सो डेडलाइन उन्होंने दिसंबर 2021 की दी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जब अयोध्या टेम्पल का कंप्लीशन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एयरपोर्ट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंडल करती है, तो इस प्रोजेक्ट को भी वही करने वाले हैं। तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से 478 एकर्स ऑफ लैंड की डिमांड की है कि इतना लैंड लगेगा फेज वन के डेवलपमेंट के लिए ताकि ये अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर पाए। तो ये तो बात कर ली हमने अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकेंड न्यूज के बारे में, दैट इज राजस्थान गेट 68 न्यू प्रोजेक्ट। हाँ जी, राजस्थान में टोटल 68 नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। सो वो जो टोटल 68 नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, वहाँ पे फाउंडेशन ले किया है। तो 68 प्रोजेक्ट्स जो है वो टोटल डेवलपमेंट का काम है और ये टोटल 1332 करोड़ का है प्रोजेक्ट। सो अगर बात करें कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर जयपुर, अजमेर एंड उदयपुर डिवीजन। तो ये जो 3 डिवीजन्स हैं इनके अंडर अर्बन डेवलपमेंट होने वाला है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन, ये सारे जितने भी हैं प्रोजेक्ट्स ये सारे के सारे इसके अंडर होने वाले हैं। कुछ स्मार्ट सिटीज में होंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगे, कुछ अर्बन डेवलपमेंट में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले न्यूज की, दैट इज मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन टू सेट अप कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकल प्लांट। हाँ जी, तो मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकल प्लांट सेटअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्योंकि मैसूर में 150 टन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जनरेट होता है। तो आप समझ सकते हैं काफी यूजफुल होने वाला है क्योंकि जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसे आप रिसाइकल करके उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट बनाया जा रहा है जो कि बहुत जल्द मैसूर में आने वाला है। ऑल्सो ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा मुंबई बेस्ड इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड कंपनी कर रही है, और ये प्लांट पीपीपी मॉडल पे बनेगा, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगले न्यूज की। सो हमारे पास अगली न्यूज है रेलवेज टू बी लार्जेस्ट ग्रीन नेटवर्क बाय 2023। सो 2023 तक जो इंडियन रेलवे है वो लार्जेस्ट ग्रीन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे से। सो आज से 3 साल बाद तो हमारी इंडियन रेलवे जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। इसका जो नेटवर्क है ये फुली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। जितने भी डीजल इंजन हैं, जहां पे इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, दुनिया की ये पहली रेलवे नेटवर्क होगी जो कि इस चीज को अचीव करेगी, और इंडिया पहला कंट्री बन जाएगा जहां पे पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क जो है इलेक्ट्रिफाइड होगा। सो टिल नाउ 40,000 किलोमीटर हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड, दैट इज 60% ऑफ टोटल। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी 40% हमारे पास ऐसा बचा हुआ है जिसे इलेक्ट्रिफाइड करना है। तो ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आई होप आपको ये सारी न्यूज समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन कंस्ट्रक्शन।